जिलाधिकारी वंदना सिंह ने मॉनसून से पूर्व तैयारी को लेकर लालकुआं विधानसभा के कई स्थानों का आज स्थलीय निरीक्षण किया। आपको बता दें, जिलाधिकारी ने सबसे पहले गौला नदी से होने वाले भूकटाव को लेकर देवरामपुर क्षेत्र में गौला नदी के तट पर निरीक्षण करते हुए सिंचाई विभाग के अधिकारियों को तटबंध बनाए जाने और पौधारोपण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने को लेकर वन अधिकारी समिति के तहत विस्तार से बिंदुवार वार्ता की, तो वहीं मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि मानसून से पहले सभी सुरक्षात्मक कार्य कर लिए जाएंगे। इसके अलावा बिंदुखत्ता राजस्व गांव बनाए जाने की मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप वन अधिकार समिति की रिपोर्ट जिला स्तरीय समिति से शासन को भेज दी गई है। आज आपदा के संबंध में बिंदुखत्ता क्षेत्र में जो हर साल नुकसान होता है, वहाँ कुछ काम वन विभाग के माध्यम से कैंपा में किए भी गए हैं, उनको भी मैंने देखा है। उसके अलावा नीचे आबादी के क्षेत्र की तरफ कुछ नए प्रस्तावित कार्य भी वन विभाग ने दिए हैं, तो उसका भी स्थलीय निरीक्षण किया है। उसमें धनराशि हम लोग आपदा प्रबंधन के अंतर्गत स्वीकृत करेंगे ताकि बरसात से पूर्व ये काम हो सके। एक विद्यालय का हम लोगों ने निरीक्षण किया है और कुछ एरियाज ऐसे हैं बिंदुखत्ता में जहाँ ट्रेडिशनली जलभराव होता है। विद्यालय के लिए तो हमने पिछली बार ही शिलान्यास निधि के अंतर्गत पैसा स्वीकृत किया था ताकि बच्चों के लिए एक अतिरिक्त शेड बनाया जा सके। उसमें पेयजल निर्माण निगम ने काम भी शुरू कर दिया है और जहाँ पानी भरता था विद्यालय के कक्षा कक्षों में, वहाँ भी प्रोटेक्शन के लिए वॉल वगैरह बन गई है। इसके अलावा उस कैंपस के अंदर जो जलभराव होता है उसको नाले में चैनलाइज करने के लिए हमने विभाग को निर्देशित किया है। और इसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल नाले हैं यहाँ बने हुए हैं जिनसे निकासी होती है, उनकी सफाई भी लालकुआ नगर पंचायत की ओर से कराए जाने के लिए निर्देशित किया। बिंदुखत्ता का जो राजस्व ग्राम बनाने का प्रस्ताव है उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, जिसके क्रम में फरवरी में एक ब्लॉक स्तरीय समिति की बैठक करी गई थी वन अधिकारों के संबंध में, और जिला स्तरीय समिति की बैठक करके एक प्रस्ताव शासन को हमने संदर्भित किया है जनपद स्तर से। उसके विषय में आज विचार विमर्श हमने ग्रामवासियों के साथ किया, जिसमें ग्रामवासियों के द्वारा कुछ और अतिरिक्त जो प्रपोजल्स हैं उनको भेजे जाने के लिए रिक्वेस्ट की गई है, तो उसका हम लोगों ने आज यहाँ निर्णय लिया है। ये जो अनुपूरक प्रस्ताव है इसको भी हम लोग यथाशीघ्र भिजवाएंगे। उनको लेकर सभी विभागों के साथ दो तीन स्तरों पर बैठकें भी कर ली गई हैं और वर्तमान में जो हमारे नाले इत्यादि हैं उनकी सफाई के काम भी सभी विभागों के माध्यम से गतिमान है। जहाँ आपदा के दृष्टिगत चैनलाइजेशन के काम कराए जाने हैं वो भी लगातार चल रहे हैं, हल्द्वानी में भी और अन्य क्षेत्रों में भी। इसके अलावा जो संवेदनशील सड़क मार्ग हैं उनमें सभी जो स्थल हैं जो जहाँ पर खतरा होता है लैंडस्लाइड का, उनका चिन्हीकरण करके वहाँ जेसीबी मशीनें तैनात करी जा रही हैं। आपदा कंट्रोल रूम जो है उसको एक्टिवेट किया गया है और अन्य जो विभागीय गतिविधियाँ हैं वो भी सभी विभाग अपना अलर्ट मोड पर रहेंगे और उसकी तैयारी करेंगे। जो रिस्पांस टाइम है उसको कम से कम करा जा सके इसके प्रयास करेंगे।